दोस्तों आज इस वीडियो को बताना हो, अगर आपके राशन कार्ड में किसी का नाम कट गया है या किसी का नाम ऐड नहीं है तो आप उसे कैसे ऐड कर सकते हैं, आप घर बैठे मोबाइल से बहुत ही आसान तरीके से कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, आज इस वीडियो को क्लियर आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत से तरीके से बताना हो, पूरा लाइव आपको दिखाने वाला, पूरा फुल प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अब फिर दोस्तों आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब फिर दोस्तों वीडियो से स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों राशन कार्ड में किसी दूसरे का नाम ऐड करने के लिए, किसी दूसरे का नाम जोड़ने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके सीधा इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, या फिर आपको वीडियो के नीचे आपको वीडियो के आगे आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन कैसे आपको इंस्टॉल करने है। ओके चलिए आपको सबसे पहले आपको प्रोसेस बता दूँ कैसे आपको करना है और कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट हो सकता आपको बताता हूँ। ओके तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ राशन, यहाँ पर लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे दरअसल राशन कार्ड नंबर, यहाँ पे आप बहुत से लोग क्या कर, यहाँ पे मैं आप यहाँ पे जैसे ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सबमिट कर दूंगा, तो बहुत से लोगों को क्या है राशन कार्ड का नंबर ही पता नहीं चलता है कि राशन कार्ड का नंबर कैसे ढूंढेंगे, राशन कार्ड का नंबर एक्चुअल राशन कार्ड का नंबर क्या है, तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है। फिर वो लोग नीचे कमेंट करेंगे सर नहीं चल रहा है, फेक वीडियो है, नहीं हो रहा है, आप जो भी जो आप वेबसाइट बताए वो इधर बता रहा है, ऐसा नीचे कमेंट करके चले जाएंगे। जो लोग मंद बुद्धि होंगे, जिनको दिमाग नहीं होता, जो दिमाग से पूरा पैदल रहते हैं, वो लोग यही कमेंट करके चले जाएंगे, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, पूरा अच्छे से समझेंगे नहीं, सिर्फ यही वीडियो इतना देख के कमेंट करके जो है चले जाएंगे। तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, वो लोग वीडियो को छोड़ दीजिए, जो एक्चुअल में जिनको करना है वही इस वीडियो को देखिएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके यहाँ पे मैं आपको राशन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दिया हूँ, यहाँ पे जैसे सबमिट करेंगे तो मैं आपको आगे प्रोसेस बताता हूँ। इससे पहले यहाँ पे चलिए जान लेते हैं कि यहाँ पे राशन कार्ड नंबर आपको मिलेगा कहाँ से। ओके यहाँ पे राशन कार्ड मिलने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे आपको राशन, या फिर आप टाइप कर लीजिए राशन, या फिर आप लिख दीजिए वेबसाइट का नाम लिख लीजिए MNFSA, टाइप करेंगे तो यहाँ पे इसका वेबसाइट मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो इसका मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगा, यहाँ पे ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कोई भी फर्जी वेबसाइट नहीं है। ओके ये आप समझ लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे ये वेबसाइट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है फाइनली वेबसाइट ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, थ्री डॉट पे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे लिखे हुए थ्री डॉट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू टाइप ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको थ्री डॉट ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ राशन कार्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। राशन कार्ड में यहाँ पे राशन कार्ड डिटेल्स ऑन स्टेट पोर्टल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा पूरा स्टेट आ जाएगा, जो भी स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट का आप राशन कार्ड नंबर निकाल सकते हैं, वो यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके यहाँ पे मैं जैसे आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, यहाँ पे जिसका भी स्टेट नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसका जो है स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ओके यहाँ पे मैं स्टेट जो अपना सिलेक्ट कर देता हूँ उत्तर प्रदेश, मेरा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे ओके कर देंगे तो यहाँ पे जो है न्यू टैब ओपन हो चुका है। ओके इसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ पे ब्लॉक चूज करना है, ब्लॉक का नाम चूज करना है आपका, यहाँ पे गाँव का नाम चूज करना है। इसके बाद गाँव का नाम चूज करने के बाद यहाँ पे आपको जो है कोटेदार का नाम आ जाएगा और आपको यहाँ पूरा राशन कार्ड आ जाएगा, पूरा राशन कार्ड का लिस्ट आ जाएगा। ओके तो आपको क्या करना है, सिंपल से इस राशन कार्ड को यहाँ पे लिखा हुआ डिजिटाइल्स राशन कार्ड ओके संख्या, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे बहुत सारा आपको राशन कार्ड नंबर मिल रहा है, ये सब राशन कार्ड नंबर्स है। ओके इस राशन कार्ड को नंबर को आपको यहाँ पे जो भी आपका राशन कार्ड नंबर है यहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। ओके यहाँ पे जैसे लिखे हुए कॉपी कर लीजिएगा, जो भी आपका मान लीजिए ये वाला आपका है फातिमा, ओके ये आपका है तो आप इसके सामने यहाँ पे जो है कॉपी कर लीजिए इसको, राशन कार्ड को कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इस पर यहाँ पे फिर से आ जाना है, फिर से यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे को पेस्ट कर देना है। ओके इसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए जो है आप किसी का नाम ऐड नहीं है। ओके यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम यहाँ पे ऐड नहीं है, पहले उनका नाम ऐड था लेकिन अभी उनका नाम जैसे नहीं ऐड है, मान लीजिए उनका नाम जो है कट चुका है, तो पुराना आपको यहाँ पे जो है ओपन करना है, ओल्ड वाला जो राशन कार्ड है आपको ओपन करना है। यहाँ पे मान लीजिए ये मंजना जो है इसको टिक करना है, मंजना पे आपको टिक करना है, इसका जो है राशन कार्ड में नाम नहीं है। ओके तो इस पर टिक करना है आपको, टिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेट चूज करना है, जो भी स्टेट है यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे मेरिट पैरिटी चूज करना है यहाँ पे। ओके यहाँ पे जो है इसके बाद यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी मोबाइल नंबर है उनको ये डाल देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको
यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है ब्लैक, ओके, इस पर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो उनका जो है राशन कार्ड में नाम ऐड हो जाएगा, मतलब राशन कार्ड में जो नाम है वो ऐड नहीं होगा लेकिन उनका जो है एक्टिव हो जाएगा, राशन कार्ड जो है उनका एक्टिव हो जाएगा। जैसे इनका जो है एक्टिव नहीं था, इनका जो है बंद हो गया, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे उनका बंद था, अभी क्या है इनका जो है ऐसे जो आप फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर देंगे तो इनका जो है एक्टिव हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से बढ़िया आसानी से अपने राशन कार्ड में किसी का नाम ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो कीजिएगा, सब्सक्राइब प्रेस कर लीजिएगा, और दोस्तों अगर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना तो प्ले स्टोर को सर्च करना है मेरा राशन, सर्च करेंगे मेरा राशन आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, ऑनलाइन वर्ड टाइप कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, ऑनलाइन वर्ड टाइप करेंगे तो आपको ये जो है मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए और मुझे मैसेज कर लीजिए, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा, ओके। तो बस आजकल बोल रहे हैं, वंदे मातरम।